तो प्रश्न ये है कि आजकल देखने में आता है कि रिलेशनशिप्स में नंबनेस आ गई है, सब फोन पर लगे रहते हैं, इवन जो बुजुर्ग हैं वो भी अब अपना व्हाट्सएप इन सब चीज़ों पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो साथ में मतलब बैठकर भी साथ में नहीं बैठे हैं, तो क्या करें ऐसा कि मतलब इस टेक्नो वर्ल्ड से हम सब बाहर निकल पाए। देखो, कई इविल्स को कहते हैं निसेसरी इविल। ये आज के युग की निसेसरी इविल है, ऐसे समझे। ये अगर हम जुडिशियसली इसका प्रयोग करते हैं, जुडिशियसली, हम एडिक्ट नहीं बनते, इनकी एडिक्शन नहीं होती है, तो ये हमें टेक्नो सेवी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो इसी के द्वारा कर रहा हूं, लेकिन जो है इसके हम गुलाम हो जाएं, इसको यूज, मतलब इसके खतरे पता क्या है कि जब आप व्हाट्सएप या कुछ भी खोलते हैं तो वहां जो देखने लायक है वो तो देख ही रहे हैं, जो आपको पता नहीं अचानक आपकी आंखों के सामने परोस दिया जा रहा है वो दिक्कत कर रहा है। बच्चों को भी दिक्कत कर रहा है, बड़ों को भी दिक्कत कर रहा है, और हम थोड़ी देर उस वक्त मुस्कुरा भी लेते हैं, कई अच्छी पोस्ट्स भी लोग डालते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट डालते हैं, आप मुस्कुराते हो। कोरोना काल में भी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन टीवी की न्यूज़ दे दे के घबराता भी रहा, फिर भी कई लोगों ने अच्छे अच्छे ह्यूमर उस वक्त क्रिएट किए, बुद्धि की कला दिखाई कईयों ने घर बैठ के भी। तो मैं इसको निसेसरी इविल मानता हूँ, और इससे मुक्ति तो आप लोग जानते ही हैं कि जब हम सत्संग की तरफ चलेंगे, मेडिटेशन की तरफ चलेंगे, गुड लिटरेचर की तरफ चलेंगे, और हम अपने मन से कमिटमेंट कर लें। जैसे हमारे कई फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि हम जो हैं इतने घंटे खोलते ही नहीं हैं इसको, मोबाइल को खोलते ही नहीं, और अपने फ्रेंड्स को भी बताया हुआ है कि इस टाइम मैं ऑफ रहता हूँ, या तो फ्लाई मोड पे कर देते हैं या वो फिर बंद कर देते हैं, कि जब यूज़ करना है। जैसे आजकल मैं सिर्फ एक टाइम न्यूज़ देखता हूँ शाम को, बस, सारा दिन टीवी नहीं चलाते। पहले टीवी भी देखते थे, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, फिर हमने जो है वो अखबार भी लेते थे, न्यूज़ ट्रिब्यून खरीद लेते थे, लेकिन फिर देखा कि यार दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, वेस्टेज ऑफ टाइम, और वही चीज़ें वहाँ भी आ रही हैं, वहाँ भी आ रही हैं। एक बार न्यूज़ ले ली मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि कोई हमें वहाँ पे कोई बढ़िया सी इनपुट तो मिल नहीं रही, ब्रेन को कोई अच्छा फूड फॉर थॉट नहीं मिल रहा है, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो वाई टू वेस्ट टाइम। ये अगर हम सेल्फ कमिटमेंट कर लें, अपने साथ वायदा कर लें कि हमें ये नहीं करना है, तो हम धीरे धीरे इससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन खास करके चलो, बड़ी जनरेशन जो जो लोग अपनी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बिता गए, उनकी तो बात छोड़ो, लेकिन जो आगे नई जनरेशन आ रही है, पता है इसके कारण जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही हैं, जो इससे रेडिएशंस निकलती हैं, आँखों की प्रॉब्लम, छोटी उम्र में ही सबको चश्मे लग जाने हैं, और कानों कान बहरे होने शुरू हो रहे हैं, कोई ब्लूटूथ कान में लगा के घूम रहा है, कोई वैसे वो लगा रखे हैं, कोई हेडफोन लगा रखे, ईयरफोन लगा रखे, ये धीरे धीरे क्या हो गया, आंख भी गए, काने कान भी जाएंगे, हम उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे। जैसे आम होते हैं ना, आम, एक आम डाल पे पकते हैं, वृक्ष के ऊपर, उसको खा के देखो, जब हम एनडीआरआई में थे तो हमारे घर में 3 पेड़ थे आम के, तो डाल पे ही आम पकता था, उसका स्वाद, और ये जो हम लोग लेते हैं मसाले से पकाए हुए, इनका स्वाद, और फिर इनके दोष। ऐसे ही आज का जो नवयुवक है, उसको हम मसाले से पकाए हुए आम है, वो जवानी से पहले जवान हो रहे हैं, और वो उन चीजों को एक्सपोज हो रहे हैं जो होना नहीं चाहिए, इसलिए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और दुनिया भर के फ्रेंड बन गए, और हर वक्त रोते रहते हैं, फिर
फोन कर करके दुखी होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और वे एक पे नहीं टिकते, फिर अनेक होते हैं। तो ये जो है ना, एक पागलपन की स्थिति सारे समाज में आती जा रही है। ये हम मानसिक रुग्णता के शिकार तो हैं ही हैं, मानसिक रोगी तो सारा जगत है, कोई थोड़ा है कोई कम है, लेकिन हैं सारे हम मानसिक रोगी। तो इसलिए हम लोग जब तक अपने साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे कि मुझे इसका कितना जुडिशियस यूज़ करना है, तब तक हम इसके विक्टिम हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो ऑडियो विजुअल होती है, ऑडियो भी और विजुअल भी इकट्ठे, वो आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करती है। एनीथिंग विच इज़ ऑडियो विजुअल, वो आपके आपको पकड़ती है ज़्यादा। इसलिए लोग पहले फिल्म देखने फिल्म हॉल में जाया करते थे, ऑडियो विजुअल, और अब तो आपके हाथ में फिल्में देख लो आप, मोबाइल पे फिल्में देख लो, इंटरेक्टिव टीवी है वहाँ पे आप देख लो। तो मतलब ये ऐसा समय आ गया है कि टेक्नोसेवी होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का सही प्रयोग उपयोग ये हमारे ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया इसका ऐसे प्रयोग करती है, कोई कम करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, कोई पागलपन की स्थिति पे करते हैं। और लोगों को अब काउंसलिंग करवानी पड़ रही है कि कैसे हम इंटरनेट से पीछे हटें, कैसे हम मोबाइल से पीछे हटें, और ये पागलपन की स्थिति तो है ही। ये आपका प्रश्न बहुत दुरुस्त है और सारे समाज के लिए इसकी बड़ी उपयोगिता है कि हम लोग अपनी जो खास करके आने वाली नई जनरेशन है, अगर इसका जुडिशियस यूज़ नहीं होगा तो ये वक्त से पहले ही बूढ़े भी हो जाएंगे। चीज़ों का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया इसका, थैंक यू सर।